हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपका ग्रुप डी आरपीएफ वीडियो एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। रीजनिंग का 2 से 3, मैथ का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। वो देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या होगी, यानी कि आपको ये वाली संख्या निकालनी है। तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो भी आंसर रहेगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे 4 है और उसके सामने क्या लिखा है, 7। 5 है, इसके सामने 9 लिखा है। 6 है, के सामने 11 लिखा है। 7 के सामने क्या लिखेगा, एक तो ये वाला रिलेशन बन सकता है, 4 में प्लस 3 करेंगे तो 7 बन गया। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। फिर 5 में 4 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 6 में 5 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। और 7 में फिर 6 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 13। यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा पहला। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए 4, 5, 6, 7 आधे को तो कर दीजिए ये कंटिन्यूस में, और 7 फिर 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 11 फिर 12 छोड़ के 13, यानी कि 13 भी यहाँ पे आएगा तब भी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। रीजनिंग में जो ये खाली स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कई कई तरीके से हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट में म्यूनसिपलिटी को INMUAPCIYTLI, मतलब इस तरीके से कोड किया गया है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं चारों में से, और आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए म्यूनसिपलिटी को हमने कुछ इस तरीके से 4-4 भाग में तोड़ के लिख लिया। आप ऐसे तोड़ के भी ना लिखे तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए बस, कि कॉन्सेप्ट क्या है, जिस प्रकार ये लिखे गए हैं उनके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए जब आप म्यूनसिपलिटी को लिख लेंगे और उसके नीचे जो जिस कोड को लिखा गया उसके नीचे लिख लेंगे, तो आप कुछ ना कुछ रिलेशन तो फाइंड आउट करेंगे। जब उस पर देखेंगे आप, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते टाइम क्या मिलेगा, देखिए MU लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी नीचे MU लिखा है, और कैसे करके लिखा है, उल्टा करके लिख दिया गया, यानी कि MU लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ पे पहला और दूसरा क्या कर दिया, लास्ट सेकंड कर दिया है M को, और फिर U को लास्ट में कर दिया गया है। मतलब कि हम वैसे भी बोल सकते हैं जैसा लिखा है उसको लास्ट में उठा के लिख दिया। फिर CI को फिर वैसे लिख दिया, फिर LI को फिर वैसे लिख दिया, यानी कि हमें इन शुरू के दो दो अक्षर का तो पता चल गया 4 ग्रुप के। फिर 2 को कैसे लिखा गया है, उनको लास्ट वाले को पहले पे और सेकंड लास्ट को फर्स्ट सेकंड पे कर देंगे। उसी तरीके से A को पहले पे कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है भाई। देखिए इसकी ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ट्रिक बताऊं कि यही चीज़ होगी और हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो निकल ही जाता है। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि अगर एग्जाम में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो, कि फर्स्ट टाइम ना देखने को मिले कि ये टाइप का क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक आपका ये सेकेंड फर्स्ट पर आ जाएगा। उसी तरीके से हमें क्या कर लेंगे, जुडिशियल को कर लेंगे, तो करेंगे वैसे बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे JU लिखा है तो JU को नीचे लिख देंगे सेकंड लास्ट में, ठीक है। उसी तरीके से CI को लिखेंगे, जो सेकंड ग्रुप है हमारा 4 का, उसको CI को ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे। I को पहले पे ले आएंगे और जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड फर्स्ट पे कर देंगे। L को पहले पे ले आएंगे और ये सेकंड लास्ट था उसको फर्स्ट सेकंड कर देंगे। तो आपका नया कोड क्या बन क्या है देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आपने इसको ट्राई किया होगा और आंसर भी किया होगा बहुत से बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, असंगत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको अलग वाला निकालना है, असंगत कौन सा, इनमें अलग कौन सा है, ओड आउट निकाल करना है। इन 4 ऑप्शन में से 3 में तो कॉमन चीज़ें चल रही होंगी, एक अलग होगा, वो अलग वाला कौन सा है एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। DFBG के बीच में क्या रिलेशन है, IKGM के बीच में क्या रिलेशन है, SUQV के बीच में क्या रिलेशन है, सभी के बीच के रिलेशन देखेंगे और जो भी सब 3 में कॉमन मिलेगा एक में अलग मिलेगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, देखिए
डी एफ के बीच में प्लस टू चल रहा है और एफ जी के बीच में प्लस वन चल रहा है, फिर डी और बी के बीच में प्लस टू चल रहा है, कुछ इस तरीके का रिलेशन सभी में है। बट यहाँ पे सेकंड वाले में अगर हमने देखा जाए इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें क्या चेंज है, प्लस टू तो ठीक है बट यहाँ पे जहाँ पे प्लस वन चल रहा है बाकी में, यहाँ पे इसमें प्लस टू हो जाएगा और इसमें नीचे भी प्लस टू है, तो इसमें हर जगह प्लस टू चल रहा है बाकी में नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे पहले वाले में प्लस वन था यहाँ पे, तो इसमें भी एस यू प्लस टू है, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा और नीचे प्लस टू हो जाएगा। तो यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वैसे हमें मिल चुका है राइट आंसर। और बाकी के ऑप्शन में भी हम चेक करें तो इसमें भी आपका यही है, प्लस टू प्लस वन फिर नीचे प्लस टू, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका डायरेक्शन से, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिएगा, तीन क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़कर आप अपना बाईं ओर मुड़ जाते हैं और फिर 5 किलोमीटर दौड़कर फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं, चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसने 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में मूव किया, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर अगर चलेगा तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये 4 डायरेक्शन हो गई। जब भी चलेगा वो इस पॉइंट से चलेगा उत्तर दिशा में, जब भी डायरेक्शन की बात की जाएगी ना तो चलेगा कहाँ से, यहाँ से चलेगा। 4 किलोमीटर मूव किया, यहाँ से यहाँ तक वो आ गया है, ठीक है। 4 किलोमीटर मूव करने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दौड़कर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर दौड़कर फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर दौड़ता है, यानी कि 2 बार वो बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि बाईं ओर मीन्स आपका लेफ्ट साइड में मुड़ता है, ठीक है, ये वो जा रहा है उत्तर दिशा में और फिर लेफ्ट साइड में मुड़ता है बाईं ओर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 था तो 5 इससे कुछ ना कुछ आगे आएगा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो 4 चला उत्तर दिशा में, बाईं ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 5 चला, तो 5 आप यहाँ पे मत रोक दीजिएगा क्योंकि यहाँ तक तो 4 है, ये 4 आप चले थे, 5 इससे कुछ ना कुछ आगे आएगा, तो सी पॉइंट तक वो आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोला गया है, फिर नेक्स्ट बोला गया है फिर 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ता है। देखिए 6 किलोमीटर दौड़ता है फिर से, मतलब बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि हर बार बाईं ओर ही मुड़ रहा है और अब की बार फिर वो बाईं ओर मुड़कर यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर चला। अब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5 ये बैठेगा, कुछ ना कुछ आगे जाएगा, तो 6 किलोमीटर चल के फिर बाईं ओर मुड़ के फिर यहाँ पे वो 1 किलोमीटर आ गया है। अब वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। क्वेश्चन देख लेते हैं और आके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं क्या उसको भी रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ये नहीं देखेंगे कि आपने दौड़ना कहाँ से स्टार्ट किया था तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बोलता हूँ। ये जो 4 दिशाएं हैं, जब भी दौड़ने की बात की जाती है किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जाए कि उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। अगर यहाँ से स्टार्टिंग की थी और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर, कैसे, ऊपर से यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाएगी और ये दूरी है 6 किलोमीटर की, यानी कि 5 तो यहाँ तक हो गई, 6 यहाँ तक, यानी कि ये 1 किलोमीटर हो गई, अब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये तो हो गया 1 किलोमीटर, पहले का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा गया है, आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं। देखिए जब दौड़ना समाप्त किया है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमने स्टार्टिंग की थी, यानी कि उत्तर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप दौड़ना रुकेंगे एंड में तो उत्तर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे। दूसरी बार मुड़ने के बाद देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से पहला मोड़ लिया, दूसरा कहाँ से, यहाँ से लिया, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर, नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, दक्षिण में, तो ये राइट आंसर आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संख्या 8261479 में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जबकि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपका मूल संख्या कौन सी दे रखी है, 8261479 ये दे रखी है, अगर इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए, आरोही क्रम में लिख दिया जाए, 1 2
यानी कि पहले पे वन आ जाएगा, फिर दूसरे पे टू आ जाएगा, फिर इससे बड़ा कौन सा है, फोर है, उससे बड़ा है सिक्स, उससे बड़ा है सेवन एट नाइन। तो ऐसे कितने संख्या है जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे हैं, तो एक तो आपका टू हो गया, पहले भी दूसरे नंबर पे था अभी भी दूसरे पे है, और एक नाइन है जो कि लास्ट पे था अभी भी लास्ट पे है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। लुप्त पद के को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से है कि आपको ये पद निकालना है, तो किस तरीके से आप निकालेंगे एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बेसिकली आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके, देखिए ये वाली संख्या है, ये वाली है, इन दोनों को प्लस करके फोर से डिवाइड किया गया है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं 52 प्लस 32 प्लस हो जाएगा कितना, 84। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि 21 कैसे निकल का है, दोनों को प्लस किया 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप इसको प्लस करेंगे 64 को, प्लस 80 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्लस करेंगे 48 को और 48 को तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 इज द राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था ये, गलती से 8 डल गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे आपको निकालना है कि क्या आएगा, LXFMTJNPNOLR नेक्स्ट क्या आएगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, L में प्लस वन करें तो नेक्स्ट आपका M आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस करें वन तो N आ गया, N में प्लस वन करें तो O आ गया, और O में प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, P O P, यानी कि नेक्स्ट अक्षर चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस फोर चल रहा है, X में से माइनस फोर करेंगे T, T में से माइनस फोर तो P, P में से माइनस फोर तो L, L में से माइनस फोर तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, H। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो F में F में प्लस फोर करेंगे तो आपका G हो जाएगा, फिर प्लस फोर करेंगे तो आपका N हो जाएगा, N में प्लस फोर करेंगे R हो जाएगा, और R में प्लस फोर करेंगे तो आपका V हो जाएगा। यानी कि पी एच वी इज द राइट आंसर, और पी एच वी कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहले प्लस वन चला है, ठीक है, सभी में पहला जो वर्ड है इसका, फिर दूसरे में आपका माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, फिर तीसरे प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, फिर नेक्स्ट प्लस फोर। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जो 2 से तुरंत पहले तथा 3 के तुरंत बाद है। यानी कि 9 ऐसा लिखा होना चाहिए, पहले 3 और बाद में 2, ऐसे कितने 9 हैं कि ये वाला रिलेशन जिसमें बन रहा होगा। तो आप सबसे पहले 9 पे लगा लीजिए, एक यहाँ पे है, 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 और एक यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से कितने 9 हो गए। अब यहाँ पे चेक करके देखिए, पहले 3 और बाद में 2 होना चाहिए, यानी कि एक तो ये बन गया आपका पहले वाला ही। ठीक है, फिर दूसरा आपका एक 9 है, इसमें 3 है और लास्ट में 2 है, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 9 है, इसमें 3 है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर ये है, इसमें 3 है और लास्ट में 2 है, ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ का एक ये भी है, ये भी आपका हो जाएगा 3, 9 और 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये है लास्ट में 9, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से तुरंत पहले और 3 के बाद में। हाँ ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 बन गए हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 3 से अधिक। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम पैटर्न को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा, GH, JL, NQ, SW, YD और नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से ये किया गया है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, पहले वाले में तो प्लस 3 यानी कि एक एक नंबर बढ़ाते गए हैं, जैसे प्लस 3 किया गया, फिर प्लस 4 कर दिया गया है, और एक पहले वाला जो नंबर है यानी वो सॉरी अल्फ़ाबेट है GJN जो ये आया है, किस तरीके से है, पहले में प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर देंगे, प्लस 6
प्लस सेवन करेंगे तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है, सीधा सिंपल है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या किया गया है, फोर से स्टार्ट किया गया है, यानी कि दूसरे नंबर पर है तो इससे एक बढ़ा के फोर प्लस किया गया, फिर फाइव प्लस किया गया, फिर प्लस सिक्स किया गया, प्लस सेवन किया जाएगा, फिर प्लस एट करेंगे तो एल आ जाएगा, यानी कि एफ एल इज़ द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। एफ एल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एफ एल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और देखते हैं इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम पैटर्न को जारी रखेगा और श्रृंखला में पर्सन चिन्ह की जगह आएगा, 2, 10, 30, 68 और नेक्स्ट क्या आएगा, ये चार ऑप्शन आपको सामने हैं। तो दसवां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें चल क्या रहा है देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 2, 10, 30 और 68 और नेक्स्ट क्या आएगा इस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 किया तो 2 आ जाएगा, फिर 2 यानी कि एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्यूब करते जा रहे हैं और उसमें एक एक नंबर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब किया तो 1 ही प्लस किया, यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया तो 2 ही प्लस किया गया, यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया तो 3 प्लस किया गया, 4 का क्यूब किया गया तो 4 ही प्लस किया गया, यहाँ पे 5 का क्यूब किया गया तो 5 ही प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 का क्यूब किया गया और प्लस 1 तो 2, यहाँ पे इसी तरीके से 10, यहाँ पे इसी तरीके से 30, इसी तरीके से 68, यहाँ पे इसी तरीके से 130। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 130, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपका कितना स्कोर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आना है। जितने भी बच्चों का एग्जाम होगा एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा, तो फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे टॉपिक स्टडी सर्च करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर सौरभ मलिक सर्च करके फेसबुक पे वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, डीपी मेरी कार के साथ में, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सके। बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड अच्छे से वर्क करके आना है, अच्छे से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देके आना है, आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।